हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें मैं कई बार इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जब कुछ टॉपिक्स लिए थे, ट्रांसफार्मर लिया था, उस टाइम मैंने बताया था। पर अभी थॉरोली मैं कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की मैग्नेटिक सर्किट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइंड अप है तो उसकी प्रिपरेशन वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 5-6 लेक्चर्स में मैं मैग्नेटिक सर्किट्स फिनिश कर देती हूँ और फिर से मैं इंडक्शन मोटर पर आ जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है? मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो फ्लक्स के पाथ से बनता है। मतलब फ्लक्स जहाँ जहाँ से गुजर रहा है विसिनिटी में, जिस पर्टिकुलर रिसोर्स की वजह से, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से फ्लक्स बना, और वो फ्लक्स लूप जो है उसने किन किन मटेरियल से अपना पाथ कंप्लीट किया, वो सब कुछ मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आ जाता है। मैग्नेटिक सर्किट भी सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। अभी भले ही आपको मैग्नेटिक सर्किट में मैंने जो डेफिनेशन दी कि फ्लक्स लूप जैसे फॉर्म होते हैं, फ्लक्स लूप जहाँ से अपने आप को सेट करते हैं वो पूरा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आ जाता है। अभी मैं जब इस ये सारी चीज़ें बताने के बाद जब मैं मैग्नेटिक सर्किट एग्जैक्टली हैंडल करूँगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि करंट जहाँ जहाँ से फ्लो होगा वो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट होगा। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ जहाँ से सेट होता है, जहाँ जहाँ से अपना लूप कंप्लीट करता है, जहाँ से गुजरते हुए, वो सब मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आते हैं। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, पर आगे हम इस चीज़ को और एलोबरेट करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स बता देती हूँ, जो डिफरेंट मैग्नेटिक पैरामीटर्स है वो समझा देती हूँ, फिर हम फाइनली मैग्नेटिक सर्किट्स पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मैग्नेट और पोल को। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट बन पाने की। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन चुका है, जिसका एक टर्मिनल नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा टर्मिनल साउथ पोल कहलाता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस इमिट करते हैं और वो लाइंस ऑफ फोर्सेस एयर से या किसी और पर्टिकुलर मटेरियल से अपना पाथ कंप्लीट करते हुए साउथ पोल से वापस मैग्नेटिक मटेरियल में एंटर हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली कहलाती है। तो मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्ज आउट होता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स मर्ज होता है। तो मैं एक सिंपल हमेशा डेफिनेशन यूज करती आई हूँ रोटेटरी मशीन्स में भी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस में भी, कि जहां पर भी मटेरियल टू एयर फ्लक्स सेट होता है, मतलब ये मटेरियल है और ये एयर है, तो मटेरियल टू एयर फ्लक्स सेट होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है, और एयर टू मटेरियल फ्लक्स सेट होता है वो हमेशा साउथ पोल होता है। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। अभी शायद सुनने में आपको लग रहा होगा कि यूजलेस है, मैडम ऐसा क्यों बता रही, पर बेटा इस चीज को ध्यान रखना, मशीन्स में ये कॉन्सेप्ट या मतलब हमें यूज करना पड़ता है। तो नॉर्थ पोल वो है जो मटेरियल टू एयर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स देता है, और साउथ पोल वो है जो एयर टू मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस देता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमेशा क्लोज लूप में रहती है, कभी भी ये ब्रोकन नहीं होती है, टूटी हुई नहीं होती है। दो मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, एक ही रिसोर्स से जनरेटेड, मतलब यही सेम रिसोर्स है, इसी से जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कभी भी दो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है। प्लीज माइंड इट, दो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे ये अगर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे भी आएंगी और एयर में ऐसे पाथ कंप्लीट कर रही है, और मटेरियल के अंदर साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। ये भी मशीन्स में यूज होता है। इनसाइड द मटेरियल हमेशा फ्लक्स लाइन साउथ टू नॉर्थ
सेट होती हैं, तो कहीं से भी ब्रोकन नहीं होती। एक मैग्नेटिक फ्लक्स लूप ऐसा है तो दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पैरेलल जो होगा वो बाहर से होगा पर कुछ डिस्टेंस पे होगा। दोनों फ्लक्स लाइंस एक ही सोर्स से जनरेटेड होंगे तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब वही कह रही हूँ, लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती फ्लक्स होती, इसकी यूनिट होती वेबर्स। मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है, ये भी एक वर्ड है जो अक्सर यूज किया जाता है, और ये एक प्रोसेस है किस चीज का, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस होती वो हम मैग्नेटाइजेशन समझते हैं उसे। जैसे इसको मुझे मैग्नेट, पहले ही मैग्नेट नहीं था, मतलब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं था तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी इमर्ज आउट नहीं हो रही थी। पर इस मटेरियल की, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेट बन सकता है, एक टर्मिनल नॉर्थ पोल और दूसरा टर्मिनल साउथ पोल बन सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और सब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर और सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से ये मैग्नेट बन सकता है। तो इसको मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस है वो मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। तो वही मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैग्नेट्स। अब ये कैसे क्या होता है, मतलब मैग्नेट बनाना, मतलब उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को अलाइन कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अब जब मुझे इसको मैग्नेट बनाना होगा तो मुझे कोई और मेजर, कोई और मींस, कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा इसको मैग्नेट बनाने का। इसका मैग्नेटाइजेशन तभी हो सकता है जब मैं एक दूसरा मेजर यूज करूँ इसको मैग्नेट बनाने के लिए, एक प्रोसेस यूज करूँ इसको मैग्नेट बनाने के। वो प्रोसेसेस अभी मैं बताती हूँ, पर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होंगे इंडिविजुअल एटम के और मॉलिक्यूल के वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में या अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में जो हमने इसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। जो और इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो होगा वो जब मैग्नेट बन जाता है तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसके कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन में। मतलब ये पूरा मटेरियल, ये पूरी स्लैब जो है मैग्नेटिक मटेरियल की तभी मैग्नेट बनेगी जब इसका इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक छोटे छोटे मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब अप्लाइड फील्ड के अलाइन अपने आप को सेट कर लेंगे तब ये कंप्लीट मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब इसके इंडिविजुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर ने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ने या सब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ने कंट्रीब्यूट किया इसके कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन में। अब चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस अकर एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और सब एटॉमिक लेवल। अब वो ओवरऑल केस में उसका कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। और ये किस पर निर्भर करता है, हर मटेरियल का, अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, तो अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज होना मतलब स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा या वीक बनेगा या मॉडरेट बनेगा, दैट इज देयर। अब प्रोसेस क्या क्या है, मैं कैसे इसको मैग्नेट बना सकती हूँ, मैं इसको मैग्नेट बना सकती हूँ रबिंग विथ अ मैग्नेट, किसी और दूसरे मैग्नेट से रब करके, कॉइलिंग विथ एन इलेक्ट्रिक करंट, हम इसके ऊपर एक कॉइल लपेट दें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट भेजें तब भी ये मैग्नेट बन जाएगा। एक्सपोजिंग टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक नए मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जो कि अभी मैग्नेटाइज नहीं है, तो वो उस फील्ड के प्रेजेंस की वजह से खुद मैग्नेट बन जाता है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स अलाइंड हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो वो ये प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है हीटिंग, अगर हम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर तक हीट अप कर देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में ठंडा होने देते हैं तब भी वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन से भी हो जाएगा। एक सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एसी करंट है, बाय चांस एसी करंट फ्लो हो रहा है, उसके साइड में एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दे तब भी वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसको इंडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। पल्स मैग्नेटाइजेशन मतलब एकदम से हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाली फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ हमने इम्पोज कर दी, तो उस हाई स्ट्रेंथ वाली पल्स की वजह से उस मैग्नेटिक मटेरियल के इंडिविजुअल एटम भी अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उस पल्स के अकॉर्डिंग और मैग्नेट बन जाते हैं।
एक मैग्नेटो मैकेनिकल मेथड भी होती है जिसमें हम हैमरिंग और वाइब्रेशंस के थ्रू भी एटम्स को अलाइन कर लेते हैं और उसको मैग्नेटाइज कर लेते हैं। पर बेटा मेनली जो है वो ये वाली मेथड यूज़ की जाती है, सेकेंड वाली कॉइलिंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट बनाने के लिए, जो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको मैग्नेटिक सर्किट में यूज़ होने वाले डिफरेंट पैरामीटर्स और समझा देती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको 12th लेवल पर या उससे बिलो लेवल पर भी ले गई, पर बेटा एक बार याद दिलाना ज़रूरी था कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है मैग्नेट, मैग्नेट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, और जब वो मैग्नेट बन रहा होता है तो अंदर क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी बताना, मुझे रिकॉल करवाना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये डिस्कशन किया। अब इसके बाद मैं आगे के पैरामीटर्स डिस्कस करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड पैरामीटर आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स समझा देती हूँ, जिसको MMF भी बोला जाता है, और इसी को कहा जाता है ड्राइविंग फोर्स टू सेट द फ्लक्स। क्या बोला जाता है, ये ड्राइविंग फोर्स है फ्लक्स को सेट करने का। जैसे EMF होता है, वोल्टेज होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है, वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, वैसे ही ये वाला ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो फ्लक्स सेट नहीं होगा। मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स टू सेट द फ्लक्स इन एनी मैग्नेटिक सर्किट और थ्रू एनी पाथ, ऐसा कह सकते हैं। अब एक मैग्नेटिक मटेरियल को ले रही हूँ जो कि कोर है, और उसके ऊपर मैंने एक वाइंडिंग रैप कर दी है। वाइंडिंग का रैपिंग सेंस आप समझ ही रहे हैं कि वायर ऐसे जा रहा है, पीछे जा रहा है, फिर ऐसे रैप किया हुआ है। पहली बार में वायर ऊपर से जा रहा है बेटा, इसमें मैं DC करंट सेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, तो करंट ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब मैं इसको समझने के लिए, वैसे तो कई बार मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के डिफरेंट टॉपिक्स जब लिए हैं तब मैंने इस चीज़ को समझा है, पर फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब कंडक्टर जब स्पाइरल है, हमारे पास स्पाइरल कंडक्टर है, तो राइट हैंड थंब रूल से ही हम फ्लक्स की डायरेक्शन पता करते हैं, पर थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स को शो करता है, फिंगर्स जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को शो करती है। इस कॉइल का, इस कोर पर मैग्नेटिक मटेरियल पर रैपिंग जो की हुई है वो इस पैटर्न में है, इस तरीके से, इस ओरिएंटेशन के साथ है कि पहला वायर ऊपर से जा रहा है, पीछे से नहीं जा रहा है बेटा, ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। आप मेरे डॉट कन्वेंशन के भी वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे भी इस कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है। वायर ऐसे जा रहा है तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे रखूँगी, और साथ में करंट की डायरेक्शन भी यही है, मतलब मेरी फिंगर्स जो मैच करेंगी वो वायर को फॉलो करेंगी और साथ में करंट की डायरेक्शन को भी फॉलो करेंगी। अगर ये वायर पीछे से गया होता ना बेटा तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा होता तो करंट भी ऐसे गया होता। अभी कैसे जा रहा है ये, सामने से वायर जा रहा है तो मैं फिंगर्स को सामने रखूंगी और करंट भी इसी के अलोंग है, ऐसे ही जा रहा है करंट टूवर्ड्स माई नेल्स, मेरे नाखूनों की तरफ करंट बह रहा है, तो मैं होल्ड करूंगी ऐसे कोर को जैसा कि वायर ने होल्ड किया है कोर को। तो थंब किस तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली, मतलब मटेरियल टू एयर फ्लक्स इमर्ज आउट होगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, और नेचुरली वो फ्लक्स लूप्स, इंडिविजुअल फ्लक्स लूप्स अपना पाथ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर फ्लक्स सेट होगा जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल इधर बनेगा मैग्नेटिक मटेरियल और साउथ पोल इधर, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, मटेरियल टू एयर, देन ये वाला, फिर एयर टू मटेरियल साउथ पोल, फिर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द कोर, ऐसा ये फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन सेट होगी। अब ये क्यों हुआ बेटा, करंट की वजह से, क्या इकलौता करंट कारण है इस फ्लक्स की डेंसिटी या इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में?
हाँ करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस जरूर हुआ, पर मुझे यहाँ पर बहुत सारा फ्लक्स प्रोड्यूस करना होगा अगर, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ टर्न्स घुमाव बढ़ा दूंगी। अगर एक ही घुमाव होता ना बेटा, तो यहाँ पर फ्लक्स वीक डेवलप होता या कम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस डेवलप होती। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर एक ही वायर होता, ऐसे होता, सिर्फ सिंगल एक टर्न होता, तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होता और वही फ्लक्स इस कोर से पास होता और इसको मैग्नेटाइज कर देता। अभी मैग्नेटाइजेशन हुआ है बेटा, ये नॉर्थ पोल बना है, ये साउथ पोल बना है, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। तो एक वायर से प्रोड्यूस फ्लक्स की वजह से ये मैग्नेटाइज होता, तो यहां से प्रोड्यूस होने वाली फ्लक्स लाइंस, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इकलौता करंट कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन प्रोड्यूस करता, माना कि 100। अब अगर मैं दूसरा टर्न ले आऊं, दो घुमाव ले आऊं, तो अब दोनों में से बहने वाले करंट की तरफ से उसके चारों तरफ फ्लक्स लूप्स डेवलप होंगे, तो वो दोनों के फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इसको मैग्नेटाइज करने में, कोर को मैग्नेटाइज करने में। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैं कितने करंट बना दे रही हूँ, इकलौते एक करंट की वजह से अगर टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स है, तो मैंने कितने करंट्स बना दिए, n इंटू आई करंट्स बना दिए, और ये n इंटू आई करंट जो है, यही आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, क्योंकि यही फ्लक्स बना रहा है। तो एक करंट को जब n नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करवाते, तो n इंटू आई मिलके इतना सारा करंट हो जाता है जो ड्राइव करता है फ्लक्स को सेट करने में। तो यही एन इंटू आई ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स है बेटा, और ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से क्या डेवलप होता है, फ्लक्स। आपको समझ में आएगा, एक टर्न होता तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता, कम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस की वजह से ये वीक मैग्नेट बनता। दो टर्न्स होते तो ये थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होती तो थोड़ा और पहले से बेटर मैग्नेट बन जाता। पर टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, तो ये मैग्नेट बहुत अच्छा स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होगा बेटा। ये समझ में आ रहा है मुझे? तो इस तरीके से मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, वो एक करंट में नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब हम करंट को मल्टीपल कर दे रहे, एक करंट की जगह हम एन नंबर ऑफ टाइम्स करंट कर दे रहे, तो ये हमारे लिए एमएमएफ का काम करता है। और एमएमएफ को इस तरीके से, इस एब्रिविएशन से शो किया जाता है, ये एफ ही है, पर एफ इक्वल टू एन इंटू आई, और इसकी, तो इस तरीके से हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को समझते हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया, पोल्स बता दिए, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस बताए, मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस बताए, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बोलते हैं। फिर मैंने मैग्नेटाइजेशन बताया, मैग्नेटाइजेशन का मतलब मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे, और प्रोसेस क्या है मैग्नेटाइजेशन की। उसके बाद मैंने एक तरीका उसमें से उठाया, यहाँ लिस्ट दी थी, उसमें से एक तरीका उठाया मैग्नेटाइज करने का, कि कॉइल को लपेट दो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे तो वो मैग्नेट बन जाता है। कैसे बनता है वो अभी बताया, उसको मैग्नेट बनाने में कौन काम कर रहा है, एन इंटू आई काम कर रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है जो फ्लक्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है या फ्लक्स को सेट कर रहा है, ऐसा मैं बोलूँ। अब बेटा एक होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो पर यूनिट लेंथ पर एमएमएफ को अगर डिफाइन करें, मतलब दिस इज एमएमएफ फॉर पर यूनिट लेंथ, ये लंबाई एल है टोटल, अगर मैं ये लेंथ एल ले लूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, एन आई अपॉन एल, मतलब एमएमएफ प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट लेंथ होगी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से और समझ सकते हैं, कि एक मटेरियल मेरे पास, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, दूसरा ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर भी कॉइल लपेटी हुई है, और सेम कॉइल यहां से भी लपेटी हुई बेटा, पर यहां पर L1 लेंथ है और यहां पर अगर L2 लेंथ है, तो नेचुरली यहां की फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, यहां की फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी। ये है बेटा फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट MMF ग्रेडियंट। अब मैं ग्रेडियंट वर्ड क्यों कह रही हूं बेटा, मैथ्स में फिजिक्स में आप लोग पढ़ते आए कि जब भी किसी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेकआउट करते, मतलब
डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पीड हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. ग्रेडियंट वर्ड तब यूज किया जाता है जब डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होता है, लेंथ होती, तब हम ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं. और रेट ऑफ चेंज ऑफ कब यूज किया जाता है, जब डिनोमिनेटर में टाइम होता है. तो ये MMF ग्रेडियंट भी कहलाता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो MMF ग्रेडियंट भी होती है बेटा. दो मटेरियल की लेंथ अलग, प्रॉपर्टीज अलग, क्रॉस सेक्शन अलग, सबकी वजह से हो सकता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो, ऐसा भी मीनिंग निकल रहा है बेटा इससे. अब एक होता है पैरामीटर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर्स पर मीटर होती है, ये एम्पियर्स इसकी यूनिट और इसकी मीटर्स, ऐसे ले सकते हैं. नेचुरली ये सेंटीमीटर में होगा तो एम्पियर्स पर सेंटीमीटर हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ या ये जो कुछ भी प्रोसेस मेरी चल रही थी इसको मैग्नेटाइज करने की, मैंने पास के किसी एरिया में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया, जो वो एरिया की वैल्यू ए है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैं यहाँ पे भी निकाल सकती हूँ कि कितनी है. तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जितनी पास हो रही होगी डिवाइडेड बाई एरिया कर दूंगी तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी. या फिर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे भी निकाल सकती हूँ बेटा, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कितनी प्रोड्यूस हो रही है डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे यहाँ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी. और बाहर की भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहीं की भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तो एयर से भी पास हो रही है, मटेरियल के अंदर भी पास हो रही है, तो नेचुरली मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कम है, एयर में वो डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है बेटा. तो उस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर कम होगी और यहाँ पे ज्यादा होगी. पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मीनिंग ये होता है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर्स और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वेबर्स पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी. अब एक चीज और होती है बेटा जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी हम एक मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं. अब जैसा मैंने बताया कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है, लेंथ भी डिफरेंट है, इसकी परमिएबिलिटी अलग होगी, इसकी परमिएबिलिटी अलग होगी. दिस इज समथिंग काइंड ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वैसा मीनिंग है ये. क्या मतलब है यहां समझाती हूँ बेटा. यहां पर करंट शुरू में मैंने 10 एम्पियर का फ्लो करवाया तो माना कि 100 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई, मतलब इसमें से फ्लक्स 100 फ्लक्स लाइंस पास हुई. फिर मैंने यहां से 100 एम्पियर्स का करंट बहाया तो माना कि यहाँ से 1000 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि करंट की क्वांटिटी बढ़ गई ना बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही है. करंट पहले 10 एम्पियर था तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स कम था तो कम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हुई. अब करंट की क्वांटिटी बढ़ गई, मैग्नेटो मोटिव फोर्स ज़्यादा हो गया तो फ्लक्स मेरा ज़्यादा स्ट्रेंथ का डेवलप हो गया और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो गई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ते से ही, मैंने जैसे ही 100 एम्पियर्स का करंट फ्लो करवाना शुरू किया तब तक तो ठीक है कि 1000 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहाँ से पास होने लगी. जैसे ही मैंने 100 एम्पियर्स का 101 एम्पियर्स किया, मतलब 1 एम्पियर बढ़ाया, तब भी यहाँ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस नहीं बढ़ी. 102 करके देखा, एम्पियर्स नहीं बढ़ी. क्या हो रहा है, ये मटेरियल भले ही यहाँ पे इस इन वायर में से 101 एम्पियर का करंट बह रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ये मटेरियल अपने में से पास ही नहीं होने दे रहा है ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को. अपने में से 1000 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास होने दी, उसके बाद करंट आप चाहे जितना बढ़ा दो, मैं अपने में से 1000 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन से ज्यादा नहीं पास होने दूंगा. मैं परमिशन ही नहीं दे रहा हूं ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पास होने देने की. मतलब इसकी परमिएबिलिटी है, इसकी कुछ वैल्यू है, उतना ही ये परमिशन देता है अपने में से फ्लक्स लाइन को पास होने देने की, उससे ज्यादा नहीं पास होने देता. उसके बाद मतलब ये सैचुरेट हो जाता है 1000 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पे, ये मटेरियल सैचुरेट हो गया,
अब 1000 से एक ज्यादा भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस आप पास करना चाहेंगे ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये मटेरियल अपनी परमिशन इसकी कुछ है, तो ये एक टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी ये कुछ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को परमिशन दे रहा है, हो सकता है ये ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को परमिशन दे, मतलब दोनों की परमिएबिलिटी डिफरेंट होगी, दोनों अपने में से पास होने वाले फ्लक्स को एक मैक्सिमम लिमिट तक ही पास होने देंगे, अलाउ करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं। वो कौन फिक्स करता है परमिएबिलिटी, और उसको मैग्नेटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं म्यू से, और ये जो होता है बी इक्वल टू म्यू एच, ये एक कांस्टेंट है बेटा, और ये हिस्टेरेसिस कर्व से हम इसको निकालते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी बेटा, आप उसको देखिएगा जिसमें मैंने हिस्टेरेसिस समझाया था पूरा। तो ये बी इक्वल टू म्यू एच ये एक कर्व प्लॉट होता है, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है म्यू होता है, ये परमिएबिलिटी, बी इक्वल टू परमिएबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू परमिएबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होता है। ये मैं अलग से और थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लूँगी, फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पर परमिएबिलिटी को ऐसे ही बता रही हूँ। एक होता है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है बेटा मटेरियल की, एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी हमेशा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय एयर्स परमिएबिलिटी से निकाला जाता है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर हर मटेरियल की परमिएबिलिटी डिफाइन की जाती है, तो उसको म्यू आर से डिफाइन किया जाता है। इसकी म्यू आर वन, इसकी म्यू आर टू, ऐसे रिलेटिव परमिएबिलिटी हो सकती है। एयर की परमिएबिलिटी, एयर मतलब फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट है, 4.2×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर इतनी होती है। एक और क्वांटिटी होती है बेटा रिलक्टेंस, ये मेजर ऑफ अपोजिशन है इन द पाथ ऑफ फ्लक्स सेटिंग। जैसे करंट के पाथ में रेजिस्टेंस रुकावट डालता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसे फ्लक्स के सेट होने में रुकावट डालता है रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस हमेशा होता है MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स। जैसे वहां पे वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वैसे ही यहां पर एनालॉगसली ओम्स लॉ भी इंप्लीमेंट होता है। रिलक्टेंस इज इक्वल टू एन इंटू आई अपॉन फाई होता है। इसको और अगर मैं करना चाहूँ तो और आगे इसका एक और फॉर्मूला मैं डिफाइन करती हूँ, रिलक्टेंस इज इक्वल टू एन इंटू आई अपॉन फाई है बेटा। एन इंटू आई को मैं एल से डिवाइड कर देती हूँ, इसको भी एल से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा एच, और फाई को मैं ले सकती हूँ B इंटू ए, और L ऐसे कर दिया। अब L डिनोमिनेटर में है, H इंटू L, H को नीचे ले आते हैं B बाय H करके, और A तो आप देखिए B अपॉन H से म्यू हो जाएगा, तो L अपॉन म्यू A, ये भी रिलक्टेंस का फॉर्मूला हो गया है, एल अपॉन म्यू ए, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ रिलक्टेंस। तो ये एम्पियर्स अपॉन वेबर्स इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा। तो इस तरीके से भी आप ये सारे पैरामीटर्स को जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से फिजिकली इंटरप्रेट करके आप इन पैरामीटर्स को समझिए। इनमें से कुछ पैरामीटर्स को मैं आगे और बेटा एलोबरेट करूँगी, जैसे मुझे इसको एलोबरेट करना पड़ेगा आप लोगों को और समझाने के लिए। बाकी मैग्नेटिक सर्किट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी या मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो अपन और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे पैरामीटर्स मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कहना चाहिए मुझे समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स भी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करिए। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करिए। थैंक यू।